बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हलीम तारिक और आप देख रहे हैं हेल्थ टिप्स विद हलीम तारिक। हेल्थ टिप्स विद हलीम तारिक में तमाम दोस्तों खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, नए आसान और इंतहाई सस्ते तीन उसके जैसे आप लोग मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बहनों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराबर मैंने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें इसको, और स्पेशली नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन के शुरू मिल सके। यहाँ वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बताता चलूँ कि इस चैनल की तमाम वीडियोस में जितने बताए गए उसका जहाँ वो इंतहाई मुस्तनद और इंतहाई एहतियात से अपने नाज़रीन के लिए पेश किए जाते हैं, जो कि बारह के आज़मूदे हैं। तमाम नुस्खा जात देसी जड़ी बूटी से तैयार किए जाते हैं। नए आसान और इंतहाई सस्ते तीन नुस्खे जात के असूल के लिए चैनल को लाइक करें और दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। अब बज़रिए पार्सल भी पाकिस्तान में किसी भी जगह घर बैठे आप दुआ ऑर्डर पर भी मंगवा सकते हैं, और त्याशर दुआ के सूल के लिए वीडियो के आख में दिए गए मोबाइल नंबर पर रब्ता करके आप मंगवा सकते हैं, और आउट ऑफ कंट्री में जो लोग रहते हैं वो व्हाट्सएप नंबर दिया गया आखिर में, आप उसको चेक करें, व्हाट्सएप करके आप ऑर्डर की प्लेसमेंट वगैरह भी करवा सकते हैं। और चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। हमने नया एक टॉपिक शुरू किया आज से इंशाल्लाह, हम इसके ऊपर हर एक ये दो वीडियो नुस्खा जात के बाद इसके ऊपर जो है एक मैं आपको एक डिस्कस करूँगा तफसीली, इसके ऊपर एक बात करेंगे इसके ऊपर कि मुबाशरत वगैरह के असूल, इसका फ़ायदे, इसके नुकसान वगैरह किस लिहाज से होने चाहिए, वो जो नौजवान नसल है उसको तफसील से आगाह किया जाएगा ताकि वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर खुदा न खास्ता किसी मुश्किल का शिकार हैं या किसी गलतकारी में अगर वो मुलव्वस हैं तो वो इससे दूर हो सकें। आगाज़ करते हैं जी आज की जो वीडियो का जो टॉपिक है वह मुबाशरत बलहाज़ उम्र व मिजाज। ज़माने की रफ़्तार रोज़ बरोज़ तेज़ हो रही है और जितनी जितनी ये रफ़्तार होती जा रही है इंसान की जिम्मेदारियाँ और उलझने भी बढ़ती जा रही हैं, जिनकी वजह से तबीयत सुकून व इत्मीनान से तही दस्त रहती है और इंसान दुनियावी ताल्लुकात से है बेफिक्र होकर राहत व आराम की ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता और ना इसकी ज़हनी व जिस्मानी क़ुव्वतों को परवान चढ़ने का मौका मिलता है। यही वजह है कि बेटा बाप के कवि से महरूम रहता है और नस्लें आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती जा रही हैं। ऐसे हालात में ऐसा ज़रूरत है कि लड़कों को 20 साल की उम्र तक जिनसी ताल्लुका से बेखबर रखा जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ज़्यादा तवज्जो देने से हर चीज़ मुमकिन है। मुजामत का तो जिक्र ही किया, इन्हें औरतों के पास भी ना फटकने दिया जाए, इसलिए कि औरतों से मेल से मिल मिलाप इनकी तबीयत में हैजान पैदा करता है और ख्वाहिशें जमा और इनके असाब पर सवार होती जाती है, और स्टार्टिंग में मतलब ये चीज़ें ना मिलने की वजह से फिर वो किसी और गलतकारी मतलब मुस्तनी वगैरह जलक वगैरह के यानी कि उसमें बुरे काम में फंस जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता किसी से छुप छुप के वो बुरे काम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में फिर नौजवान नस्ल जो है वो जवानी की उमंगों को जो असल जो उनका मज़ा है उससे महरूम हो जाती है, तो वो जवानी से पहले ही बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं। तो ये स्पेशली एक रिक्वेस्ट है उन वालदैन के लिए जो लोग जिनके बच्चे जो हैं वो उनके तो अदम तवज्जो का शिकार हैं, तो उन लोगों पर ख़ास तौर पर तवज्जो करें। यहाँ आपको थोड़ा सा मतलब एज का फैक्टर तो है ही है, यहाँ आपको मिजाज के बारे में बताता चलूँ कि बाज़ मिजाज कैसे होते हैं और उनका क्या असरात होते हैं। यहाँ आपको मिजाज के बारे में बता चलूँ कि ताकि आगे चल के आपको समझने में भी आसानी हो। बल्कि में मिजाज जो है उसकी पहचान अमूमन सफ़ेद रंग के वाले बल्कि में मिजाज के होते हैं, जिस्म के तमाम अज़ा ढीले नरम और सर्द होते हैं, थूक कसरत से आता है, प्यास कम लगती है, जिस्म सुस्ती और काहली वाला होता है। ये थे जी बल्गी मिजाज वाले। ये है जी सदावी मिजाज, अमूमन गंदमी और स्याही माइल रंगत वाले सदावी मिजाज होते हैं, चेहरे पर कील मुहासे स्याहियाँ स्या दाग होते हैं, आँखों के नीचे स्याह हल्के होते हैं, जिल्द पर सुर्ख धब्बे दिखाई देते हैं और जिस्म पर ख़ारिश खुश्की वगैरह होती है, और फोड़े फिंसियाँ भी इनको पहले दूसरे लोगों से बनिस्बत ज़्यादा निकलते हैं, खून की जो हिद्दत होती है वो गर्माइश वाली होती है और मीठी मतलब इनका खून ये कह सकते हैं कि मीठा खून होता है इनका। सफरावी मिजाज जो है जी इसमें भूख कम और प्यास ज़्यादा लगती है, बातचीत साफ और तेज़ तेज़ करना इनकी मतलब एक आदत में शुमार होता है, मर्दों को ज़कावत हिस जरियान रिकत और सूरत की शिकायत मतलब होती है, और औरतों को जो हैज़ आता है वो तकलीफ़ से आता है, नज़ला की शिकायत अमूमन रहती है। तो ये वो लोग हैं मतलब जो कि इन इस मिजाज के जो लोग थे। तो अब चलते हैं जी उम्र के हिसाब से कि 20 से 30 साल की उम्र तक जो है इन अफराद को
किस तरह हम बिस्तरी और किस लेवल तक हम बिस्तरी करनी चाहिए। 16 साल का ये नाजुक मरहला बखैर खूबी तय कर लेने के बाद 20 से 30 साल तक बलहाज मजाज व कुव्वत मजामत की जाए। और चूंकि कुव्वत शहवानी मुख्तलिफ मजाज के लोगों में मुख्तलिफ हुआ करती है, इसलिए बलगमी सदावी सफरावी मजाज वाला शख्स जिसके अज़ा सही सालम हो, कुव्वतों में जान हो और जिस्म जहन हर किस्म की बीमारी और तफक्करात से महफूज हों, अगर दिन रात में एक मरतबा मुबाशरत करे तो कोई मज़ाक नहीं है। सफरावी मिजाज वाले के लिए भी यही हुक्म है। बलगमी मिजाज वाले को एक दिन के वक्फे से मजामत करनी चाहिए। सुदावी मिजाज वाला 4 दिन के वक्फे से मजामत करे और इससे हर किस ना बढ़े। अब चलते हैं जी 30 से 40 साल की उम्र तक के जो अफराद हैं उनको किस किस तरीके से मतलब मुबाशरत करनी चाहिए। 30 से 40 साल की उम्र तक अगर सुदावी मिजाज वाले अफराद रोज़ाना हम बिस्तरी ना करें तो बेहतर है, बल्कि सुदावी मिजाज वाले अफराद को चाहिए कि वो 2 हफ्तों बाद एक मरतबा सोबत करें। सफरावी मिजाज वाले जो हैं के लिए एक दिन बाद मुबाशरत करना मुनासिब है। बलगमी मिजाज वाला हफ्ते में एक ही बार मजामत करे तो बेहतर है। चलते हैं जी 40 से 50 साल की उम्र तक के लोग उनको मतलब किस लिहाज से अपना वो करना चाहिए। 40 से 50 साल की उम्र तक बलगमी मिजाज के लिए 3 हफ्ते में एक दफ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 मरतबा हम बिस्तरी सही है, इससे ज़्यादा नुकसान का सबब है। सफरावी मिजाज के लिए 2 हफ्तों में एक मरतबा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्तों बाद 2 मरतबा की इजाज़त है। सुदावी मिजाज वालों के लिए 4 हफ्तों में एक बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मरतबा। अब ये यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि इनसे अगर हम एक्सेस करेंगे बढ़ेंगे तो मतलब बाज़ लोगों को जिस तरह बाज़ लोगों की इतनी खून की कमी हो जाती है उन लोगों के अंदर कि वो अचानक हाइपर हो जाते हैं, अचानक बीपी डाउन हो जाता है, अचानक बीपी हाई हो जाता है, इस टाइप की कैफियत होना शुरू हो जाएगी। गुर्दों में पेन, कमर में पेन, सर दर्द, हाइपर हो जाना, ये मुश्किल होना शुरू हो जाएगा। किसी भी काम को दिल ना करना और अगर काम करेगा सही तो गलत, और गुस्सा दूसरों पर, ऐसे हालात जो हैं इन लोगों के साथ पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी और भी कई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जाहरी बात है, जमा की ज़्यादती से दिल, दिमाग, जिगर, मैदा, टेस्टिस, नफ्स, मसाना, हर चीज़, गुर्दे, हर चीज़ जो है वो ज़ाफ़ होना शुरू हो जाती है, कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो जो चीज़ बताई गई है कोशिश करें कि इसके ऊपर जो है अमल करें और इससे ज़्यादा एक्सेस ना करें। और 50 से 60 साल तक की उम्र के लिए, 50 से 60 साल की उम्र तक बलगमी मिजाज वालों को 5 हफ्तों बाद एक मरतबा हम बिस्तरी करनी चाहिए, मतलब 1 महीना और फिर 1 हफ्ते के बाद एक मरतबा हम बिस्तरी करनी चाहिए। सफरावी मिजाज वालों को 3 हफ्तों में एक मरतबा हम बिस्तरी करनी चाहिए और सुदावी मिजाज वालों को 6 हफ्तों में एक बार हम बिस्तरी करनी चाहिए, मतलब कम अज़ कम 1.5 माह बाद एक मरतबा करनी चाहिए। बल्कि अगर हो सके तो बलगमी और सुदावी मिजाज वालों को इस उम्र में हम बिस्तरी से वैसे ही परहेज़ कर लेनी चाहिए, मतलब इसको जमा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बलगमी और सुदावी दोनों को बिल्कुल भी जमा नहीं करना चाहिए। चलते हैं जी 60 साल के बाद, अब जब उम्र अपनी 60वीं मंजिल तय कर चुके तो हर किस्म के मिजाज वालों को तर्क जमा लाजम है। इस मौके पर अतबा का एक कौल भी नकल किए जाने के काबिल है कि सेहतमंद लोगों को 20 से 30 साल की उम्र तक हफ्ते में एक या दो दफ़ा और 30 साल से 40 साल की उम्र तक महीने में 2 या 3 मरतबा मजामियत करनी चाहिए। इसके बाद उधेड़ उम्र में 40 से 40 साल के बाद कमज़ोरों के लिए हम बिस्तरी मुनासिब नहीं है। फिर भी ये वाज़े रहे कि बलगमी या सुदावी मिजाज वालों को कसरत जमा किसी तरह मुनासिब है नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो पैदाइशी तौर पर कमज़ोर होते हैं। मुख्तसर ये कि कसरत जमा से हर वक्त और हर हालत में दामन बचाना ज़रूरी है, इससे शहवानी कुव्वतें ही बर्बाद नहीं होती, किसी शदीद मर्ज़ के पैदा होने का भी खटका लगा रहता है। चलें जी किसी भी किस्म के मसले या परेशानी की सूरत में एहतियाती दवा के उसूल के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। दवा मंगवाने का तरीका जो है मैं पहले ही बता चुका हूँ, रब्ता नंबर दिए जा चुके हैं। ब्राहिम बनने की कोशिश कीजिए कि रात को 9 से 10 बजे तक कंसर्न करें ताकि आपकी बात को तवज्जो सुनकर आपकी बेहतरीन रहनमाई की जा सके। और आखिर में फिर भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा, और
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह हाफिज़।